ये जो कितना घना और कितना विशाल जंगल है जो कि फिर यहाँ पर आपको दिखेगा जो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो भाई आज के इस ब्लॉग में जो मैं जो पूरा थावे मंदिर घूमने वाला हूँ, एक्सप्लोर करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ किस तरीके से यार इधर का व्यू कैसा है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चले भी मैं जो जहाँ पर हूँ वहाँ का व्यू दिखाता हूँ। तो ऑल राइट गाइस, चलिए यहाँ पर इधर का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। सामने वाला जो आपको दिख रहा हुआ ये जो दुर्गा माँ का जो मेन मंदिर है जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पर देखिए लोग जो है वीडियो फ़ोटो को यहाँ पर जो क्लिक करें इसके सामने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे पंडित भी है, और भी इधर मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा करता हूँ। और यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको दिख जाएंगे जो कि मेले में आए हुए हैं, जो कि फिर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको क्या ही बोलूँ, आप अपने आँखों से ही देखिए। और यहाँ पर एक जो है कार का यहाँ पर जो पूजा किया जा रहा है, तो इस तरह थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा कार है। ये देखिए भाई लोग, ये जो कार का पूजा किया जा रहा है जो कि कुछ ऐसा है, यहाँ पर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर देख सकते हैं भाई लोग जो है बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर जो बैठने वाला भी व्यवस्था है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो बैठे हुए हैं। सामने दान पेटी है और इधर का एरिया देखिए काफ़ी ज़्यादा मस्त है दोस्तों। तो भाई लोग अभी मैं जो रसू भगत का जो यहाँ पर एक मंदिर है बहुत ही बड़ा, तो यहाँ पर मैं आया हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का जो है एरिया कैसा है और ये जो मंदिर किस तरीके से है आपको वो दिखाता हूँ। थोड़ा कैमरा मेरा फूटा हुआ है इस वजह से यहाँ पर जो थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आइए भाई लोग मैं आपको दिखाता हूँ ये मंदिर कैसा है। हाँ तो भाई लोग, ये जो है रसू भगत का जो मेन मंदिर है यहाँ पर आपको दिख जाएगा, जो कि यहाँ पर नया नया जो है रेडी किया जा रहा है। और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको जो दिख जाएंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों ऊपर देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको जो दोस्तों दिख जाएगा यहाँ पर जो है लकड़ी बोल रहा हूँ, बांस वस यहाँ पर बांधे हुआ है, बांधे हैं लोग। और यहाँ पर जो इसका जो काम चल रहा है, इधर जो इसका प्लास्टर हो गया है और ये ऊपर वाला पार्ट का जो है अभी जो प्लास्टर है यहाँ पर चालू है। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको जो दिख जाएंगे जो कि इस मंदिर में जो है पूजा करने के लिए आए हैं। और यहाँ पर जो है पुचका उचका बेचा जा रहा है, यहाँ पर जो पानी पूरी बेचा जा रहा है, इधर जो है क्या बोलते हैं कि जूस वाला है। और यहाँ पर आपको जो सामने वाला भी दिख जाएगा वो जो है पानी पूरी और जो है छोला वाला है यहाँ पर जो बेचा जा रहा है, कुछ इस तरीके का एरिया है यहाँ पर आपको दिख जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इधर एक जो पोखरा है बहुत ही बड़ा जो है तालाब है, पोखरा में बोल रहा हूँ, यहाँ पर बहुत ही बड़ा तालाब है जिसमें कि यहाँ पर लोग जो है तैर रहे हैं। एक जो है नाव है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो है लड़की भी है और लोग ये सारे लोग जो इसमें जो है तैर रहे हैं और नाव वाला जो है घुमा रहे हैं उन लोगों को। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप जो आप भी यहाँ पर जो घूम सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख जाएगा इधर का एरिया, देखिए कितना ज़्यादा मस्त है और कितना बड़ा तालाब आपको दिख जाएगा दोस्तों। देखिए भाई लोग कितना मस्त तालाब है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको जो दिख जाएंगे। इधर तो और भी ज़्यादा लोग हैं, सारे लोग बैठ बैठ के यहाँ पर जो देख रहे हैं, अपने अपने पार्टनर के साथ आए हुए हैं घूमने के लिए। तो अभी भाई लोग मैं जो है थावे मंदिर का जो है क्या बोलते हैं कि जंगल में आपको दिखाने वाला हूँ। इधर जो है काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधा है और बहुत ही लंबा लंबा, बहुत ही बड़ा बड़ा यहाँ पर जो पेड़ पौधा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। इधर के एरिया काफ़ी ज़्यादा मस्त है, तो वही देखते हैं।
हाँ तो भाई लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कितना घना और कितना विशाल जंगल है जो कि फिर यहाँ पर आपको दिखेगा जो कि बहुत ही विशाल है और इसमें लोग जो है घूमने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर सामने देखिए वो देखिए भाई लोग कितना दूर में ये जो जंगल फैला हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है। ब्यूटीफुल तो दिख रहा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा डेंजर भी है क्योंकि दोस्तों इधर काफ़ी ज़्यादा घना जंगल है और ये देखिए कितना खतरनाक देखने में लग रहा है। इस एक में एक जो पेड़ ही पेड़ आपको दिखाई देंगे जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अरे भगवान।